इस्लामोफोबिया पर कैनेडियन सेनेट की रिपोर्ट, नफरत की बढ़ती हुई लहर को रोकने के लिए फौरी कार्रवाई की जरूरत पर जोर। इंसानी हकूक की कमेटी की रिपोर्ट तैयार करने में एक साल का अरसा लगा। कैनेडियन वजीर आजम अमरीका के दौरे पर, इक्तिसादी खुशहाली के लिए अमरीका की शराकत दारी के अफ्तिताही इजलास में शिरकत करेंगे। ट्रूडो का कहना है कि मिलकर काम करने के लिए इससे बेहतर कोई वक्त नहीं। सिक्योरिटी खदशात, कनाडा ने चीनी मैसेजिंग एप्लीकेशन पर पाबंदी लगा दी। कैनेडियन हुकाम का कहना है कि कनाडा के नेटवर्क्स और डेटा महफूज रख सके, सार्फिन को इन एप्लीकेशंस को डाउनलोड करने से रोक दिया गया। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। जस्ट टॉस एन इको फ्रेश डिटर्जेंट स्ट्रिप इनटू द वॉशर फॉर अ कन्वीनियंट, इको फ्रेंडली येट पावरफुल वॉश। हाइपोएलर्जेनिक, सेफ फॉर सेंसिटिव स्किन। से नो टू बल्की प्लास्टिक जग्स एंड बॉटल्स। No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, पीएनपी एंड पीआर वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट एंड बिजनेस वीजास। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। लाइटो इमिग्रेशन। कनाडा के सेनेट की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि कनाडा में इस्लामोफोबिया एक मुस्तकिल मसला है और नफरत की बढ़ती हुई लहर को रोकने के लिए ठोस इकदाम की ज़रूरत है। सेनेट की इंसानी हकूक की कमेटी की सरबरा सेनेटर सलमा अताउल्ला जान ने जुमेरात को सहाफियों को बताया कि सबूत वाज़े हैं, इस्लामोफोबिया कनाडा के मुसलमानों के लिए एक शदीद खतरा है और फौरी कार्रवाई की ज़रूरत है। हमें एक ज़्यादा जामा मुल्क बनाने और अपने मुसलमान रिश्तेदारों और दोस्तों, पड़ोसियों और साथियों को बेहतर तौर पर फरोख देने का अहद करना चाहिए। कनाडा में अपनी नौयत की पहली रिपोर्ट को एक साल का अरसा लगा और इसमें 21 आवामी मुलाकातें और 138 गवाह शामिल थे। रिपोर्ट में कहा गया कि कमेटी ये सुनकर परेशान हुई कि इस्लामोफोबिया के वाकयात बहुत से मुसलमानों के लिए रोज़मर्रा की हकीकत है, कि हर चार में से एक कैनेडियन मुसलमानों पर भरोसा नहीं करता, और ये कि कनाडा इस्लामोफोबिया से मुतासर मुसलमानों की टारगेट किलिंग के मामले में G7 में सबसे आगे है। रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि हर चार में से एक कैनेडियन मुसलमानों पर भरोसा नहीं करता। ऑन्टेरियो के पील के इलाके में हलाल गोश्त फराहम करने वाले मेपल लॉज फार्म्स की जानिब से कमेटी को जमा कराई गई रिपोर्ट में कहा गया है कि उसने 1500 अफराद पर किए गए कौमी सर्वे से मालूमात इकट्ठी की। ये तफसीलात फराहम नहीं की गई हैं कि जवाब दहिंदगान का इंतखाब कैसे किया गया या उनसे कौन से मखसूस सवालात पूछे गए। रिपोर्ट में पता चला है कि मुसलमान खवातीन जब तशद्दुद और डराने धमकाने की बात आती है तो बुनियादी हदफ बनती हैं, क्योंकि वो अपने लिबास से आसानी से पहचानी जाती हैं। नतीजे के तौर पर बहुत से लोग काम, स्कूल या दीगर सरगर्मियों के लिए अपना घर छोड़ने से डरते हैं। रिपोर्ट में कहा गया जिनसी इस्लामोफोबिया के गहरे असरात ऐसे हैं कि ये बाज़ ख़वातीन को अपने रोज़गार के मौके बढ़ाने के लिए हिजाब उतारने पर गौर करने पर मजबूर करता है। रिपोर्ट ने इस हकीकत को उजागर किया कि काम की जगह पर इस्लामोफोबिया महज चंद लोगों के आमाल का नतीजा नहीं है, बल्कि ये एक मुनज़्ज़म मसला है जो वसी पैमाने पर फैला हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके नतीजे में अरब खवातीन ने मुल्क में किसी भी आबादी वाले ग्रुप के मुकाबले में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी की शरह है। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो इक्तिसादी खुशहाली के लिए अमरीका की शराकत दारी के इफ्तिताही इजलास में कनाडा की नुमाइंदगी के लिए आज अमरीकी दारुलहकूमत में है। अमरीकी सदर जो बाइडन की मेज़बानी में वाइट हाउस का इजलास निस्फ कुर्रे के तजारती फ्रेमवर्क में तमाम 12 ममालिक का पहला सरकारी इज्तिमा है। शराकत दारी, जिसे APEP के नाम से जाना जाता है, शुमाल जनूब तजारती राहदारी के इब्तदाई आगाज की निशानदही करता है, जिसका मकसद इक्तिसादी तरक्की को फरोग देना और सप्लाई चेन को मजबूत करना है। ट्रूडो कनाडा को एक काबिले मंजिल के तौर पर फरोग देने के मौके से भी फायदा उठा सकते हैं, जिसे वजीर आजम के दफ्तर ने
सप्लाई चेन को मजबूत बनाने के लिए जिम्मेदाराना और पायदार सरमायाकारी कहा है। ट्रूडो ने एक बयान में कहा, हमारे निस्फ कुरे के लिए एक खुशहाल, मजबूत और लचकदार मुस्तकबिल के हुसूल के लिए मिलकर काम करने के लिए इससे बेहतर कोई वक्त नहीं है। मैं APEP रहनुमाओं के साथ अहम मसाइल जैसे कि पायदार इक्तिसादी तरक्की, मौसमियाती मवाक़त और तख़फीफ़ और खित्ते में तजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात को वसअत देने के लिए मिलकर काम करने का मुंतज़िर हूँ। व्हाइट हाउस उम्मीद कर रहा है कि उसके नतीजे में जुनूबी अमरीका और कैरेबियन में मजीद इस्तेहकाम से अमरीका और मैक्सिको सरहद पर बेकायदा नकल मकानी के दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। अमरीका और कैनेडा के अलावा फ्रेमवर्क में मैक्सिको, चिली, बारबाडोस, कोलंबिया, कोस्टारिका, एक्वाडोर, पनामा, पीरो, यूरोगॉय और डोमिनिकन रिपब्लिक शामिल हैं। यह वाजे नहीं है कि आया बाइडन और ट्रूडो को आधे दिन के सरबराही इजलास के हाशिए पर वन ऑन वन मिलने का मौका मिलेगा। अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन किर्बी ने कहा, हमें इस सरबराही इजलास में शराकत दारी के तमाम अरकान की शिरकत पर खुशी है, इनमें से अक्सरियत लीडर की सतह पर होगी। उन्होंने इसे अमरीका में अहम सप्लाई चेन्स कायम करने, हिजरत के मसले का मुकाबला करने और पूरे निस कुर्रे में बामायने इक्तिसादी मौके पैदा करने का एक बार आने वाला मौका करार दिया। सिक्योरिटी खदशात की वजह से कनाडा ने चीन की मैसेजिंग एप्लीकेशन वी चैट पर पाबंदी लगा दी है। कनाडा ने यह पाबंदी रूस और चीन के सिफारती ताल्लुकात में कशीदगी, प्राइवेसी और सिक्योरिटी खदशात की वजह से लगाई है। कनाडा ने चीन की मैसेजिंग एप्लीकेशन के अलावा रूस के एंटीवायरस कैस्पर्सकी के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी है। इस पाबंदी का ऐलान कनाडा के चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने किया है। वी चैट और कैस्पर्सकी एप्लीकेशन को हटाने और ब्लॉक करने का फैसला इस बात को यकीनी बनाने के लिए किया गया है कि हुकूमत कनाडा के नेटवर्क्स और डेटा महफूज रहें और हमारे बैन अल-अक़वामी शराकत दारों के नुक्ते नज़र के मुताबिक हों। सार्फीन को इन एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से रोक दिया गया है। इस बारे में कैस्पर्सकी इंतजामिया का कहना है कि कनाडा की हुकूमत के इस फैसले पर हैरत भी है और थोड़ी मायूसी भी हुई है। ताहम चीनी मैसेजिंग ऐप वी चैट ने इस बारे में फौरी कोई रद्द अमल का इजहार नहीं किया है। यह फैसला सिक्योरिटी वजूहात के बिना पर किया गया। वाजे रहे कि कनाडा में फरवरी में टिकटॉक और चीनी कंपनी की शॉर्ट वीडियो ऐप बाइटडांस पर भी सिक्योरिटी खदशात की बिना पर पाबंदी लगा दी थी। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप के खिलाफ रियल इस्टेट फ्रॉड की तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया, जबकि ट्रंप के दोनों बेटों को न्यूयॉर्क की अदालत में पेशी हुई। इस मौके पर दोनों के बयानात कलमबंद किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक एरिक और ट्रंप जूनियर ने धोखे से कारोबार की कदर बढ़ाने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। दोनों का मौकफ था कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप के वकील का अदालत में कहना था कि बाइडन इंतजामिया आवाम का पैसा बेबुनियाद मुकदमे पे जाया कर रही है। ट्रंप आइंदा सदारती इलेक्शन के लिए रिपब्लिकन नामजदगी की दौड़ में बदस्तूर सरे फहरिस्त है। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ने आइंदा इंतखाबात में सदर मुंतखब होने पर मुसलमानों पर सफरी पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया। रिपब्लिकन ज्यूइश कॉलिशन के सालाना सरबराह इजलास से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि क्या आपको सफरी पाबंदी याद है, एक दिन में ये पाबंदी दोबारा आयद करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जिस दिन मैं इक्तदार में आया किसी को अपने शहरियों का खून बहाने की इजाज़त नहीं दूंगा। उन्होंने कहा, मैंने अपने दौरे हुकूमत में वादा पूरा किया और यरूशलम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करते हुए वहाँ अमरीकी सिफारत खाना खोला।